सदियों से हमारे शास्त्र में एक शब्द का बार बार उल्लेख होता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें कहा जाता है ब्रह्मा यानी क्रिएटर, रोल ऑफ द ब्रह्मा इज ए क्रिएटर। इस सृष्टि का सर्जक ब्रह्मा था, इसका निर्माता ब्रह्मा था, सब कुछ उसने निर्माण किया। और लेकिन हमारे पूर्वजों की ये ताकत भी बड़ी विशेष थी, उन्होंने और एक सोच दी। ब्रह्मा को क्रिएटर तो कहा ही कहा, लेकिन हमारे पूर्वज वहां रुके नहीं, वो आगे गए और उन्होंने कहा अहम् ब्रह्मास्मि। उन्होंने हर इंसान को मंत्र दिया अहम् ब्रह्मास्मि, आई एम माइसेल्फ आर अ क्रिएटर। मित्रों, दुनिया में ऐसी सोच कहीं नहीं हो सकती कि जहां हर इंसान को ब्रह्मा का माना जाए और हर ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाए, और सबके प्रयासों के सृष्टि का सृजन होता है अहम् ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट इसी देश की धरती की बदौलत। अहम् ब्रह्मास्मि, आई एम अ क्रिएटर। मेरे भाइयों बहनों, ये जो आपके भीतर जो ब्रह्मा बैठा है, आपके भीतर जो ब्रह्मा आपको कुछ न कुछ क्रिएट करने के लिए प्रेरित करता है, उसके लिए व्यवस्था देने का नाम है आई क्रिएट। वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइज ब्रह्मा है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज ब्रह्मा का रूप है, जिसके हम सब पुर्जे बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, और ये आई क्रिएट। और आपने इसके शब्दों को देखा होगा, आई क्रिएट को आपको जो मेज दिया होगा उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें आई छोटा है और कैपिटल अक्षर सी से शुरू होता है। जरा गौर से देखिए, ना भी दिखता होगा, ना दिखता है क्यों मित्रों? अगर मेरे भीतर का अहम अगर बड़ा हो गया तो क्रिएशन खत्म हो जाता है। क्रिएटिविटी की सबसे पहली रुकावट यही होती है कि जहां आई कैपिटल हो जाता है क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है। लेकिन आई की एब्सेंस से भी क्रिएटिविटी नहीं होती, आई का होना जरूरी है। लेकिन अहम रूप से मुक्त चाहिए, और इसलिए ये जो नाम जब तय किया तो आई कैपिटल न हो, गलती से भी ना हो, उसकी चिंता की। लेकिन फिर भी मित्रों, शुरुआत छोटे आई से, आई क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सपना बड़े आई वाले क्रिएट से करना है मुझे, कैपिटल आई वाले। और जब मैं कैपिटल आई वाले क्रिएट की बात करता हूं, तब आई यानी आप इंडिविजुअल से शुरू करके आई फॉर इंडिया। बड़े आई क्रिएट तक जाएगा, इंसान से शुरू कर।